आज आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी मानसी जी। इनफैक्ट आपकी क्या, मेरी किस्मत भी अच्छी थी, इसलिए तो हमारी किस्मत ने हमारा साथ दिया। मैं तो आज बहुत बुरी तरह फंसी गई थी। आई स्वेयर किंजल, पता है मैं तो इतना डर गई थी कि पूछो मत। अभी भी सोच सोच कर मेरे तो पसीने छूट रहे। किंजल, व्हाट इफ अगर अहम को पता चल गया कि राधा के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स बच्चों के सामने हम लेकर आए हैं, पता नहीं अहम क्या करता फिर। किंजल, अभी भी खतरा टला नहीं है। आज तो हम बच गए, लेकिन इसकी क्या गारंटी कि कल को किसी को पता नहीं चलेगा। अरे आप ये सब मत सोचिए मानसी जी, आपको बस कॉन्सेंट्रेट करना है कि किस तरह अहम भाई विद्या और मीरा को वापस मुंबई ले जाए। एज फार एज मीरा इज कंसर्न, मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है। आई एम जस्ट वरीड अबाउट विद्या। क्यों, विद्या ने कुछ कहा क्या? नहीं, उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, पर मुझे अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है कि कहीं विद्या गोपी को एक्सेप्ट ना कर ले, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वो अहम को भी कन्विंस कर लेगी। आपको उन्हें रोकना होगा। किंजल, तुम्हारे लिए ना ये सब कहना बहुत ही इजी है। एनीवेज, मैं कुछ करती हूँ। आई थिंक इट्स हाई टाइम अब हम चारों को डिस्कस करके फाइनल डिसीजन लेना होगा। आज जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, इसलिए हमें सोचना होगा कि अब हमें आगे क्या करना है। बाय द वे बेटा, व्हाट डू यू थिंक, कोकी आंटी जी ने जो कुछ भी कहा वो सच है या? आई डोंट बिलीव, मुझे तो सब झूठ लगता है, क्योंकि वो जानती है कि इस बार उनकी फेवरेट गोपी बहू इज एट फॉल्ट, इसलिए उन्हें कवर अप करने के लिए उन्होंने हमें ये सब बताया है, ताकि वो इस टॉपिक पे ही फुल स्टॉप लगा सके। सच कहूं तो मुझे भी कोकी आंटी जी की बात सुनके कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि आंटी जी ने जो कुछ भी बताया इट साउंडेड वेरी फिल्मी टू मी। एग्जैक्टली, मुझे तो दादी की बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं। जरूर राधा मासी के खून के पीछे कोई और ही रीजन होगा। फ्रैंकली कहूं तो मैं यहाँ के रोज रोज के ड्रामे से बहुत तंग आ चुकी हूँ। यहाँ रोज एक नई स्टोरी सुनने में मिलती है। हम, आई थिंक अब हमें वापस मुंबई लौट जाना चाहिए। पापा, जब ये सब हुआ तब आप भी वहीं थे ना, तो आप ही बताइए कि दादी की बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। अब वो विद्या, वो हाँ, वो एक्चुअली मॉम ने जो, ओ गॉड, अब ये लाइट क्यों चली गई? अब मैं जरा जाकर देख आता हूँ। इतने डिप्रेसिंग एटमॉस्फेयर पे मुझे रहना भी नहीं है। मॉम, मैं मोदी मैंशन जा रही हूँ। ओके, ठीक है बेटा, बाय विद्या। धवल जी, अलमारी से जरा मोमबत्ती निकालना, लगता है पूरे राजकोट की बिजली चली गई है शायद। कौन गोपी हो? तेरा ध्यान कहाँ है? तुम्हारे हाथ पर ये गरम मोम गिर रहा है, तुम्हें एहसास भी नहीं है? बस माँ जी, बहुत लड़ चुकी हूँ अपनों से, परायों से, अब जल्द से जल्द सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, और इसी में हम सबकी भलाई। गोपी बहू, इतना मायूस क्यों हो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं सब ठीक कर दूंगी। क्या सोच रही हो गोपी बहू? बहुत रात हो गई,
मुझे जाकर सो जाना चाहिए। जय श्री कृष्ण। कह रही थी, मैंने गोपी वो को इतनी मायूस और दुखी आज तक नहीं देखा। मेरी गोपी वो की रक्षा कीजिएगा, रक्षा कीजिएगा। मेरी गोपी हो कान्हा जी, जैसे सबके जीवन में दुख के बाद सुख और रात के बाद सवेरे का उजाला सबकी जिंदगी में आता है, ऐसा मेरी गोपी भाभी के साथ क्यों नहीं हो रहा? सुख शांति प्यार से मुंह मोड़ लिया है। कान्हा जी, आप जानते हैं कि मेरे कितने दुख झेले, लेकिन हमेशा हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ली और दिल में आपके प्रति विश्वास लिए सारी मुश्किलों का सामना कर लिया उन्होंने, सिर्फ इसलिए कि हमारा परिवार सुखी रहे। उन्होंने 10 साल जेल में गुजार दिए, बेटियों से इतने साल दूर रही, लेकिन कभी आपसे शिकायत नहीं की। आप तो अंतर्यामी, आप तो सब देख रहे, तो फिर आप उनके दुख क्यों दूर नहीं कर देते? कितने साल उन्हें इसी तरह अपनों के पास होते हुए भी उनसे दूर रहना होगा। प्लीज कान्हा जी, प्लीज उन्हें अहम भाई का साथ, उनकी बेटियों का प्यार उन्हें लौटा दीजिए कान्हा जी, क्योंकि अगर उन्हें उनके हिस्से का सुख नहीं मिला तो वो टूट जाएगी कान्हा जी। जी छोटा मत कीजिए चिक्स, कान्हा जी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, लेकिन गोपी बहन की बात और है, उनकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि आप देख लेना, बिन मांगे कान्हा जी उनकी जोली खुशियों से भर देंगे। हाँ जिगर दिकरा, परिति बिल्कुल सही कह रही है, इतने सालों से एक बहुत बड़ी सच्चाई हम हमारे बच्चों से छुपा कर बैठे थे, आज उन्हें सब कुछ पता चल गया है। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल जिगर, देखना देखना, धीरे धीरे सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कान्हा जी करे, आप सब जैसा कह रहे हो बिल्कुल वैसा ही हो। दोनों मोनू कहाँ गए? हाँ काका जी, आज मैंने भी सुबह से दोनों को नहीं देखा है। तुम दोनों यहाँ और ये क्या कर रहे हो? वैसे तो हमने जो कुछ भी किया वो माफी के काबिल नहीं है बड़ी माँ। यस बड़ी माँ, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, गुस्से में आके ना जाने हमने आपसे क्या कुछ कर दिया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बड़ी माँ, मॉम डैड ने हमें बताया था कि आपने राशि की जान बचाई थी, फिर भी हमने आपको खूनी कहा। आप चाहे हमें मारिए चाहे डांटिए, जो सजा देनी है दीजिए, लेकिन प्लीज हमें माफ कर दीजिए। यस बड़ी बाप, जब तक आप हमें माफ नहीं करेंगे हम घर वालों को क्या, खुद को भी फेस नहीं कर पाएंगे। चलो
खड़े हो जाओ दोनों, उठो उठो। अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपने हमें कान पकड़कर खड़ा किया होता ना तो हमें और भी अच्छा लगता। तोलू, मोलू, तुम दोनों को कान खींचने की मुझे कोई जरूरत नहीं। तुम दोनों ही इतने बड़े हो चुके हो कि अपनी गलतियां खुद समझ भी सकते हो और सुधार भी सकते हो। लेकिन सच्ची आपने हमको माफ कर दिया ना? यस बड़ी मम, अगर आपको पनिशमेंट देनी है तो हमें पनिशमेंट दीजिए, प्लीज। आपसे नाराज मत होना। बोलू बेटा, एक माँ अपने बच्चे पे गुस्सा कर सकती पर उनसे नाराज नहीं हो सकती। और सच कहूँ तो मैं अपने हालात और किस्मत से नाराज हूँ। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं किसी और को दोष नहीं दे सकती। बड़ी माँ, आप प्लीज ज्यादा कुछ मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। केस बड़ी माँ, जिस तरीके से हमने रियलाइज किया कि आपकी कोई गलती नहीं है, उस तरीके से मीरा और विद्या भी रियलाइज करेंगे कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।